हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों चालू करें आज की क्लास। लीजिए बताएं, जल्दी से बताएं क्या है, क्या सेटिंग है, क्या है नहीं है, देख लीजिए। एवरीथिंग इज ओके और नॉट ओके? तो आज की क्लास में चालू करता हूं। और कल हम लोग ने लिया था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लिया था। तो अ फ्यू, द फ्यू, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। तो पहले देख लीजिए सेटिंग में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कत है। नमस्कार देव थापा, अपने फ्रेंड को बता दो सब चालू हो गया है। फ्रेंड को बता दो, पहले बताओ आवाज सही है और वीडियो विजिबल है कि नहीं है, देख लो आप। एवरीथिंग इज ओके तो हम लोग आगे बढ़े। प्लीज टेक कैरी ऑन। देव थापा देखो जल्दी से, सब कुछ ओके हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेटिंग इज फाइन, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। लेकिन आवाज तो बराबर आ रही ना, कुछ साउंड डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? देखो मुझे बताओ। सब कुछ क्लियर है, आवाज में डिस्टर्ब ना हो, वीडियो में डिस्टर्ब ना हो, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना? चलिए ओके, नो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो लेते हैं थोड़ा सा, और अपने फ्रेंड को बोलो कि कमेंट करना चालू कर दे। और कुछ मुझे लगता है कि मैंने उसको रीसेट किया था, तो हो सकता है रीसेट के से उसका आने लग जाए। इवन नो, बिल्कुल बिल्कुल नो डिस्टरबेंस, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे सारी बातें होने लगेगी, डोंट वरी। उसका थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है, वी हैव टू वेट फॉर दैट। ही इज एट वर्क, ठीक है ना? जब भी उसको कह देना गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग। बहुत दो दिन से बहुत बिजी हैं आप लोग, तो आप अपने फ्रेंड से देवथापा कह देना कि भाई तू किसी भी वीडियो में जाके कमेंट लिख दे। अगर वहां पर बैच आ गया तो समझ जाएंगे कि वो सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बैच अगर आ गया तो, है ना? चलिए अब यहाँ पर तो है, कितने लोग वहां कर रहे हैं ये मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो करते हैं दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग। वी शुड स्टार्ट, ठीक है? कितने लोग आए मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ कमी, एक चीज कम होती है तो दूसरी अलग हो जाती है। हाँ तो देखता हूँ, एवरीथिंग इज ओके। आप लोग सब गणेश उत्सव में लगे होंगे, गणेश जी की पूजा करने में सब लोग लगे हुए हैं क्या? गुड इवनिंग मेहर, गुड इवनिंग। चलिए चालू करते हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था अ फ्यू और फ्यू और द फ्यू। तो ये तीनों को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं और एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि कल हम लोग ने जो लिया था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, वो काउंटेबल नाउन के लिए था। काउंटेबल नाउन के लिए, यानी जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उनके लिए लिया था। फ्यू बुक्स, अ फ्यू बुक्स और द फ्यू बुक्स। लेकिन आज हम लोग जो लेने वाले हैं, वो लेने वाले अ लिटिल, केवल लिटिल और द लिटिल, ये हम लोग केवल लेने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते एक एक करके, ध्यान देना। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग वन बाय वन नहीं गिन सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको एक एक करके गिन सकते हैं और जिसका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी नहीं होता है। राइस कहते हैं, राइसेस नहीं कहते हैं। पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल्स नहीं कहते हैं। ये कुछ बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों? तो चालू करते हैं हम लोग। तो मैं आपको समझाऊं, पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आखिरी में क्वेश्चन करूंगा। तो मेरे समझते तक बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने आप लोग, अच्छे से सुने, एक एक बात को ध्यान दीजिए, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करने वाला हूं, उसमें मुझे ये समझ में आएगा कि मैंने आपको जो समझाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या चालू करें, ये लीजिए। तो सबसे पहले लिखा है कि अ लिटिल, अ लिटिल का मतलब ये होता है कि सब थोड़ा होता है, इसका मतलब थोड़ा होता है या फिर कुछ, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं। जो सम का, एक्चुअली ये सम ही है, लेकिन सम तो सम ही होता है, वो उसमें हम लोग अंतर नहीं कर पाते। लेकिन आज के टॉपिक में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये क्या हम लोग देखेंगे। तो अ लिटिल, इट हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, इसका जो मीनिंग निकला वो पॉजिटिव निकलेगा, जिसको हम लोग इनफ कह सकते हैं, इनफ पर्याप्त कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों? समझ में आया आपको? जबकि हम लोग कल, हम लोग अ फ्यू को भी हम लोग क्या कह रहे थे, वो भी पॉजिटिव कॉनोटेशन की बात कर रहा था,
और वो इनअप की बात कर रहा था, लेकिन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके लिए कह रहा था वो। आज वही चीज पढ़ रहे हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल के लिए कहेगा वो, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिखा है कि आई हैव अ लिटिल मनी सो आई एम हैप्पी। अब वो खुश क्यों है? क्योंकि उसके पास में अ लिटिल मनी है। अ लिटिल मनी होने की वजह से ही वो बहुत खुश है। अ लिटिल मनी होने की वजह से ही वो बहुत खुश है, तो अ लिटिल मनी आएगा, यानी उसके बाद इनअप मनी है, पर्याप्त मनी है उसके पास। या अगला सेंटेंस, आई गॉट अ लिटिल टाइम सो आई डिड वेल। मैंने अच्छा क्यों किया? आप अच्छा क्यों करोगे? क्योंकि आपको अ लिटिल टाइम मिला था, आपको पर्याप्त समय मिला था, अच्छा समय मिला था, आपको पॉजिटिव समय मिला था, जिसका आप लोग ने भरपूर इस्तेमाल किया, इसलिए यहां पर लिखेंगे अ लिटिल टाइम। आई एम श्योर यू आर गेटिंग। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, लिटिल यहां पर ए लगा, यहां पर ए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ए का अंतर है, ध्यान देना। अब इसका मतलब भी हो रहा है, यही हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, इसका मतलब भी थोड़ा हो रहा है, सेम अर्थ है, लेकिन मीन्स नॉट मच, इसका मतलब हो रहा है नॉट मच, ज्यादा नहीं, और हार्डली एनी, और हार्डली एनी, ये आपको इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इसका नेगेटिव कॉनोटेशन रहेगा, नकारात्मक अर्थ निकलेगा इसका, नॉट इनफ, जिसको हम लोग नॉट इनफ कह सकते हैं हिंदी में, अपर्याप्त कह सकते हैं, आप इसको अपर्याप्त मान सकते हैं, अपर्याप्त का सेंस निकल रहा है, अपर्याप्त इसका मतलब नहीं होता, इसका अर्थ निकल रहा है, अपर्याप्त का सेंस निकलेगा। ये सेंटेंस लेते हैं, आई हैव लिटिल मनी, देखो मैंने ए नहीं लगाया, आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब कोई तुमसे कह रहा भैया पैसे दे दे यार, मेरी मदद कर ले भैया, कुछ मदद कर ले, तो क्या कह रहा है? आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा मतलब नॉट इनफ, नॉट इनफ यानी कि हार्डली एनी, यानी कि नॉट मच, ज्यादा नहीं है, हार्डली एनी है, तो वो कहेगा आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो ऐसा बोलेगा। अब इसका नंबर दो सेंटेंस लेते हैं, मुझे लगता है ये भी क्लियर है आप लोग को। नंबर दो में आ जाते हैं, शी गेव मी लिटिल टाइम, उसने मुझे थोड़ा समय दिया, उसने मुझे थोड़ा समय दिया, यानी कि बराबर नहीं दिया, नॉट मच, हार्डली एनी टाइम दिया मुझे, सो आई कुड नॉट क्लेरिफाई एवरीथिंग, इसलिए मैं सब कुछ क्लेरिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं सब कुछ स्पष्ट नहीं कर पाया। अगर मुझे ज्यादा समय मिलता, और ज्यादा समय मिलता, तो मैं बहुत कुछ स्पष्ट करता। यहां पर ए नहीं आ रहा, यानी कि उसको ज्यादा अच्छा समय नहीं मिला, इनफ टाइम नहीं मिला। ये भी क्लियर है, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं द लिटिल। अब द लिटिल में आ जाते हैं दोस्तों, चलिए मैं इसको अलग कर देता हूं, मैं ये दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब हम लोग आते हैं द लिटिल की ओर। मैं आपको बताऊं, अब द लिटिल होगा जैसे दे लेगा, द लिटिल इसका मतलब हो रहा है इट मींस नॉट मच बट ऑल दैट इज देयर, ज्यादा नहीं लेकिन जो है वही, जो हमारे पास में है वही, उसको कहेंगे द लिटिल। और वॉट एवर यू हैव लेफ्ट, जो कुछ तुम्हारे पास छूट गया है, उसको हम लोग बोलेंगे द लिटिल। द लिटिल जो कुछ तुम्हारे पास छूटा है, उसको हम लोग द लिटिल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके फिर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है वो, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि द लिटिल राइस दैट ही हैड वॉज ड्रेन्ड इन द रेन, थोड़ा चावल जो था वह भीग गया, बारिश में भीग गया, भीग यहां पर भीग का काम कर रहा है, भीग लीजिए, थोड़ा जो राइस था पानी में भीग गया, बारिश में भीग गया, भीग बिंदी आएगी, लो बिंदी लगा देता हूं, बिंदी आएगी तो क्लियर है। बचा हुआ जो चावल था, जो थोड़ा चावल जो रखा हुआ था, वो भीग गया है। और एक बात और याद रखना कि जब भी शुरू में आएगा तो हमें द लगाना है, जब भी शुरू में आएगा तो मोस्टली द लिटिल, द फ्यू, 99% जब शुरू में आएगा तो आपको द लगाना है, क्योंकि इसको हम लोग पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नंबर दो में, द मोस्ट ऑफ द मनी, अधिकतर पैसा, हैज बीन स्पेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान अधिकतर पैसा खर्च हो गया, दिख तो रहा है आप लोग, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्या लिखा, बिंदी नहीं आएगी, ओके बिंदी नहीं आएगी, चलो ठीक है, बिंदी नहीं आएगी तो मैं अलग कर देता हूं, हेलो मुझे पता नहीं था मैं, अच्छी बात नहीं है, हमको अपने हिंदी, हिंदी में हमें गलती नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, बिंदी नहीं आना चाहिए, भीग, भीग,
भींग नहीं बोलेंगे, हाँ सॉरी सॉरी, धन्यवाद धन्यवाद शिवम, ठीक है धन्यवाद। तो यहां पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान अधिकतर पैसा खर्च हो गया। नाउ आई हैव द लिटिल मनी, अब मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, अब मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, वो ये कह रहा है, ठीक है ओके, अब मेरे पास थोड़ा सा पैसा है वो ये कह रहा है दोस्तों। चलो अब हम लोग लेते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब मुझे बताओ कि आपको कहां पर डाउट है, आपको लिटिल में डाउट है, अ लिटिल में डाउट है कि द लिटिल में डाउट है, मुझे बताएं तो मैं आपको समझाऊंगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज कैरी ऑन, एनीबडी हैज डाउट बताओ जल्दी से, नहीं है डाउट सर, द लिटिल ओके, द लिटिल का मतलब होता है बचा हुआ, जब बचे हुए की बात करेंगे वहां पर हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, बचा हुआ। आई हैव द लिटिल मनी इन बैंक अकाउंट, नाउ आई विल नॉट स्पेंड इट, जहां बचे हुए का सेंस आएगा वहां हम लोग द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, बचा हुआ ओके यस, मतलब व्हाट एवर यू हैव द लेफ्ट मनी, द लेफ्ट राइस, द लेफ्ट वाटर, द लेफ्ट पेट्रोल, व्हाट एवर जो बचा हुआ है, जो है हमारे पास में, उसको हम लोग कहेंगे द लिटिल राइस, द लिटिल मनी एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब हम लोग यहां आ जाते हैं, इसको समझते हैं हम लोग, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलिए अब देखो तीनों को मैंने शॉर्ट में समझाया है, तीनों को शॉर्ट में समझाया है मैंने, पहला वाला ले लेता हूं मैं, पहले इसको अलग कर देते हैं, दिक्कत आ रही थोड़ी। हाँ पहला वाला क्या बोल रहा है, अ लिटिल यानी होता है सम, जो कि पॉजिटिव सेंस में आएगा, ठीक है, लिटिल नॉट मच जो कि नेगेटिव सेंस में आएगा, द लिटिल, देखो शिवम आपको डाउट था, यूनिक आपको डाउट था, द लिटिल स्मॉल अमाउंट, ध्यान देना स्मॉल अमाउंट, बट ऑल दैट इज देयर, जो वहां है, जो तुम्हारे पास है वो द लिटिल होगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कंफर्म करते हैं कि क्या होना चाहिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन में करूंगा, आप लोग जवाब देना। द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज लिटिल, और वैसे शुरू में ए होना चाहिए, ए नहीं लिखा, लीजिए मैं ए लिख देता हूं, ए लीजिए ए, अ लिटिल, केवल लिटिल, द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, बताइए प्लीज कैरी ऑन, और नीचे लिखा है इट लाइकली दैट द पेशेंट वुड रिकवर, बताओ क्या आएगा, नंबर वन, नंबर डालना ना भूले, प्लीज कैरी ऑन, नंबर वन लिखेंगे, नंबर वन, दामोदर आपने समझा नहीं, डॉक्टर खुश क्यों था, द डॉक्टर वॉज हैप्पी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गलती ना करें, द डॉक्टर वॉज हैप्पी, दामोदर प्लीज, सर आई एम लेट बिकॉज ऑफ गणपति बप्पा, ओके स्मिता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लेट आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना जरूरी है, लेट भले आ जाए, द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यस। तो यहां पर पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, तो दोस्तों यहां पर डॉक्टर खुश क्यों रहेगा, क्योंकि उसको बड़ी उम्मीद है, बहुत पर्याप्त उम्मीद है उसको, तो यहां हम लोग लिखेंगे अ लिटिल, ये वाला आएगा दोस्तों, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ओके क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, नंबर दो में आ जाता हूं, यहां लिखा है, देखो यहां पर हमने लिखा था इट लाइकली, संभावित है दैट द पेशेंट वुड रिकवर, पेशेंट वुड रिकवर, वो होगा पक्का सही होगा। नंबर दो, द लिटिल या फिर अ लिटिल या फिर लिटिल मिल्क दैट विच, अब आपको यहां भी चॉइस करना है, दो जगह चॉइस करना है, यहां भी और यहां भी चॉइस करना है आपको, बताएंगे आप लोग थोड़ा सा, बताओ क्या आएगा, बताओ, मैं इधर कर दूं, थोड़ा सा कट रहा था वो, द फ्रिज, द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल मिल्क दैट या विच वॉज इन द फ्रिज, इन द फ्रिज हैड बीन यूज्ड, बताइए प्लीज कैरी ऑन,
इन द आएगा और आपको वहां भी चॉइस करना है यहां भी चॉइस करना है. ओके यस आई एम वेटिंग. लीजिए बताएं. नंबर दो को ऊपर कर देता हूं मैं. लीजिए अब क्लियर है. ओके तो जो फ्रिज में जो दूध रखा हुआ था खर्च कर लिया गया था. फ्रिज में जो दूध रखा था खर्च कर लिया गया था. द लिटिल मिल्क. कोई चाहे तो पूरा लिख दीजिए. अंकित कसेरा ने पूरा लिख दिया. बहुत बढ़िया अंकित. द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द इन लिखना मैं भूल गया था. आप इन लिख दो. मैंने इन नहीं लिखा था. आप लोग इन लिख देना. हाँ उसको इन कर दो आप लोग. चलिए ठीक है. तो यहां आएगा मैं अंकित कसेरा. द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द फ्रिज हैड बीन यूज्ड. ओके टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी. अब यार सारा इसलिए मैं कह रहा हूं मैं क्या सारा जवाब देने लग जाओगे तो दिक्कत आएगी. इसलिए आपको एक एक जवाब देना है. इन द फ्रिज जस्ट वेट. ओके अब हम लोग आ जाते हैं नंबर तीन में. नंबर तीन में आ रहे हैं. अभी से जवाब ना दें आप अच्छी बात है. अ लिटिल या केवल लिटिल या फिर द लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग. मुझे लगता है जब जब मैं लिटिल का टॉपिक पढ़ाता हूं मैं आपको ये वाला सेंटेंस तो देता ही देता हूं. अच्छा बताओ. ओके प्लीज कैरी ऑन. ओके नंबर तीन में क्या आना चाहिए. अभी मैंने आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी हम लोग इससे शुरू करेंगे जब भी सेंटेंस के आगे आएगा तो हम लोग द लगाएंगे. ये मैंने कहा था. ये यहां पर ये सही था है ना. ये रॉन्ग है. यहां पर ये भी रॉन्ग है. मैंने ये कहा था. लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करेंगे क्या इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे. मैंने कहा था कि फ्यू लिटिल जब शुरू में आएगा तो हमको द लगाना है तो क्या इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे. मैं जानना चाहता हूं. चलो मैं जवाब देता हूं फिर बताता हूं आपको. समझाता हूं मतलब बताता नहीं. कहां चला गया. लीजिए दोस्तों यहां पर आएगा नहीं सुजाता जी. यहां पर आएगा अ लिटिल. अ लिटिल आएगा. ये भी नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा. बताओ ऐसा क्यों हुआ. डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट. मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि अगर फ्यू या लिटिल शुरू में आता है सेंटेंस के शुरू में आता है तो हम लोग उसको पर्टिकुलराइज मानकर द फ्यू या द लिटिल लगाएंगे. लेकिन ये शुरू में आने के बावजूद हम लोग अ लिटिल क्यों लिख रहे हैं. Why we are using the little? We are not using the little. We are using a little. Please tell me. Anybody can answer? क्या कोई जवाब दे सकता है इस बारे में. बताएं. Yes, I'm waiting. है जवाब. Board is looking quite better today. Yes, sir. धन्यवाद. चीजें धीरे धीरे improve होती है दोस्तों. हर चीजों में कमियां होती है. उस कमियों को धीरे धीरे दूर करके हम लोग शानदार की ओर बढ़ते हैं. आई हैड कॉमेंटेड दिस सेंटेंस और मैं देख नहीं पाया आपने क्या कॉमेंट किया था. यस देव थापा आपने कॉमेंट किया या जवाब दिया यार. द लिटिल दैट नहीं 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 अभी कॉमेंट क्या किया आपने. सिरिंग अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजर थिंग. अ क्यों आएगा सवाल ये. नो चलो मैं बताता हूं. नहीं नॉलेज नहीं है. असल में ये जो है ये एक वो है. ये एक प्रोवर्ब है. प्रोवर्ब एक प्रोवर्ब है. एक कहावत है. और कहावत को हम लोग चेंज नहीं करते. ये सेइंग है. दिस इज सेइंग.
ये एक सेइंग है और सेइंग कभी भी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में काली मिर्च नहीं कह सकते हम लोग, और ऊंट के मुंह में सौंफ नहीं कह सकते हम लोग, बोलेंगे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा ऊंट का। नो, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जीरा, हम लोग वहां पर सौंफ भी नहीं डाल सकते, ना वहां पर इलायची डाल सकते हैं। हमारी हिंदी की कहावतें फिक्स होती है, वैसे इंग्लिश की कहावतें भी फिक्स होती है दोस्तों। ओके, या दिस सेंटेंस गोइंग टू पॉजिटिव, नहीं भैया, या ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब इडियम्स ऑफ फ्रेजेस कैन नॉट बी चेंज्ड, या ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, और आगे आ जाते हैं अगला सेंटेंस, देखो नंबर चार में आ जाओ, पढ़ो नंबर चार, पढ़िए नंबर चार, मैं पढ़ के बताऊं, नंबर चार है, क्या बोल रहा है नंबर चार, नंबर चार कह रहा है आई हैव अ लिटिल या लिटिल, आई हैव अ लिटिल या लिटिल, अब इनमें से एक को चॉइस करना है ना, सो आई कैन गिव यू लिटिल, वो उसको लिटिल दे सकता है, वो उसको लिटिल दे सकता है, तो बताओ उसके पास क्या होगा तो दे सकता है, उसके पास लिटिल है कि अलिटिल है। नंबर का ध्यान देंगे दोस्तों, चार नंबर, नंबर का ध्यान देना है। ओके, या मैं तुम्हें थोड़ा दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा है। ओके, ये हुई ना बात, सबको क्लियर होता जा रहा है, बहुत शानदार, सबको क्लियर होता जा रहा है, ये हुई ना बात। चार नंबर में आएगा अ लिटिल, क्योंकि वो सामने वाले को जब अ नहीं दे रहा है तो उसके पास ए होगा तब तो देगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सही, तो यहां आना चाहिए अ लिटिल, ये नहीं आ सकता, बिल्कुल कट हो जाएगा ये, क्योंकि उसके पास अ लिटिल है, उसके पास पर्याप्त है, तभी तो वो उसको लिटिल देगा, जब उसके पास खुद ही कुछ नहीं है, खुद ही कंगाल है, तो उसको क्या देगा। बहुत सही, अब आ जाओ आप लोग नंबर पांच, नंबर पांच में आ जाओ, यू हैव, किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, यू हैव अ लिटिल पेशेंस, या फिर लिटिल पेशेंस, या फिर द लिटिल पेशेंस, तुम्हें थोड़ा सब्र है, थोड़ा धीरज है, धीरज थोड़ा, सो यू गेट एंग्री इजीली, तुम जल्दी नाराज हो जाते हो, तुम्हें थोड़ा सा सब्र है, तुम जल्दी नाराज हो जाते हो, बताओ उसमें सब्र कैसा होगा, लिटिल सब्र होगा कि अ लिटिल सब्र होगा या द लिटिल होगा, बताइए जल्दी से, कैरी ऑन, या आंसर लिखते चल रहे हैं, मैं मिटाता जा रहा हूं क्योंकि मुझे दिक्कत होती है फिर बाद में उसको ऊपर लेके जाने में। हाँ चलो ठीक है, तो फिर मैं अपने आंसर भी बता देता हूं, फिर मैं नंबर पांच उसमें कैसा सब्र होगा, आई हैव क्यों, यू आएगा ना, हेलो यू, सब्जेक्ट यू है भैया, अंकित कसेरा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका आंसर सही है, क्या पूरा सेंटेंस लिखने में क्या है, स्टूडेंट बाद में इसको पूरा पढ़ते हैं तो वो उनके लिए फायदा हो जाएगा, उनको अलग से देखना नहीं पड़ेगा, यानी दो दो जगह नजर नहीं मारना पड़ेगा, यू हैव लिटिल पेशेंस सो यू गेट एंग्री इजीली, यानी उसमें नहीं, देव थापा शिव द्वार, वो जल्दी नाराज क्यों हो जाएगा, यानी उसमें बराबर पेशेंस नहीं है, कम पेशेंस है, कम पेशेंस शिव द्वार, उसमें जल्दी नाराज क्यों होगा बताओ, इंसान जल्दी नाराज क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंस है वो पर्याप्त नहीं है, कम है, इसलिए जल्दी नाराज होता है, तो हमको ये नहीं लिखना है, हमको लिखना है ये वाला आएगा, और ये वाला भी नहीं लिखना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसमें कम पेशेंस था, नॉट एनी, था ही नहीं, ना के बराबर था, और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ओके यस देव थापा, आपने लिखा है, मुझे पता है, ओके गॉट, चलो क्लियर हो गया, तो हम लोग छह नंबर में आ जाते हैं, लीजिए छह नंबर, आई हैव अ लिटिल या द लिटिल या लिटिल मनी सो आई कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, मैं एक छोटा सा बिजनेस चालू कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। आप एक छोटा सा बिजनेस क्यों चालू कर सकते हो, बताओ क्यों चालू कर सकते हो, आपके पास थोड़ा सा जो पैसा है वो कैसा है, इनफ है कि नॉट इनफ है, बताइए,
नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं यार शिवम अभी भी गलती हो रही है। ठीक आंसर अ लिटिल, या आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। बहुत सही सिरिंग, बहुत सही जा रहे हैं आप सिरिंग। आप मेरे वही चैनल के मेंबर बन जाइए प्लीज। सिरिंग यू बिकम द मेंबर ऑफ माई चैनल एंड यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स माई डियर। आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो एक छोटा बिजनेस क्यों चालू कर पाएगा? क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास पर्याप्त धन है। पर्याप्त थोड़ा तो है, थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है। तो यहां आएगा अ लिटिल आएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये होना चाहिए, पर्याप्त धन है उसके पास में, इसलिए वह एक छोटा सा बिजनेस चालू कर सकता है। ओवरऑल अगर हम लोग लेते हैं, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं, मैं ओवरऑल एक बार और बता देता हूं, याद दिला देता हूं मैं आपको। हाँ, ओवरऑल पूरा एक साथ याद दिलाऊंगा तो आपको कभी नहीं भूलोगे आप लोग, यू विल नेवर फॉरगेट। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये इस पर ध्यान दो, आप इस पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? अ लिटिल यानी होता है सम, जो पॉजिटिव सेंस निकालेगा, पॉजिटिव सेंस निकालेगा। लिटिल नॉट मच, जो कि नेगेटिव सेंस निकालेगा। द लिटिल, द लिटिल में आप से, अब जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आज की स्थिति में जो भी तुम्हारे पास बचा है उसको बोलेंगे द लिटिल। स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर, ऑल दैट इज यू हैव, दैट इज यू हैव। इसको यू हैव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको यू हैव भी लिख सकते हैं, यू हैव ये भी लिख सकते हो, दैट इज यू हैव। जो तुम्हारे पास है उसको हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? द लिटिल, द लिटिल, ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। अब जो एक सा जवाब नहीं देना है, एक एक जवाब देना, मैं आपका एक एक चेक करूंगा। अब मैं इसको नीचे कैसे लेके जाऊं? पॉसिबल नहीं, मुझे दूसरा वाला इसको ऑप्शन करना पड़ेगा। अब नंबर वन में आ जाते हैं, लीजिए नंबर वन में बताता हूं मैं आपको। नंबर वन है, सारे जवाब नहीं देना, आई एम टेलिंग यू, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बड़ा करूं, थोड़ा बड़ा करना है इसको, बताओ शुड आई एक्सपेंड? दिख रहा है? हिज मैनेजर कॉल्ड हिम, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कैसे बोलेंगे? लो लीजिए, नंबर वन, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, मैं बाद में छोटा कर दूंगा। हाँ, कर दिया, जूम कर दिया। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ओके। आप लोग आई हैव से भी चालू कर सकते हैं, आई हैव, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, गलत। आप क्यों मांग रहे हैं? आपके पास क्या है? अभी कम है, आप ज्यादा मांग रहे हो ना। आई हैव लिटिल एंड आई नीड अ लिटिल, अरे दोनों में लिटिल लिटिल कैसे आएगा यार? सेफ क्या कर रहे हो यार भैया? आई हैव लिटिल, आई वॉन्ट अ लिटिल, अरे देव साहब दोनों में वही लगा रहे हो यार आप। देखो मेरी बात सुनो, अब थोड़ा है आपके पास, थोड़ा है थोड़ा, हाँ और चाहत क्यों हो रही है आपको? और मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके पास में अभी कम है, आपके पास में अभी कम है, तो आप बोलेंगे आई हैव लिटिल, आप ऐसा बोलेंगे आई हैव लिटिल, इसलिए तो मांगोगे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आई नीड, हाँ आई नीड अ लिटिल, क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो आई हैव लिटिल, आई नीड अ लिटिल, ऐसा आना चाहिए, प्लीज टेल मी। हाँ नीडिल इज नीडेड, कोई दिक्कत नहीं विश्वरूप, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि उसको और चाहत क्यों हो रही है? क्योंकि इसके में कम है ना, ये देखो थोड़ा कम, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, बराबर ए लीजिए,
ले लीजिए, उसके पास ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। हाँ, आई हैव लिटिल, आई नीड अ लिटिल, चलो ठीक है। नंबर दो में आ जाओ जल्दी से। नंबर टू सेंटेंस, मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय था। नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय था। मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय था। क्या बात है, क्योंकि मुझे थोड़ा समय मिला। लीजिए, हाँ लो, मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा समय मिला। बताओ, कैरी ऑन। मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा समय मिला। तो बताओ उसने अच्छा क्यों नहीं किया होगा। उसने अच्छा क्यों नहीं किया होगा, सोचो। I could not do well in the exam because I have a little time. अरे लिटिल नहीं, विश्वरूप क्या कर रहे हो भैया, अ लिटिल नहीं आएगा ना, क्योंकि इनफ टाइम नहीं था उसके पास में, इनसफिशियंट टाइम था। विश्वरूप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, यू आर नॉट गेटिंग। आई डिड नॉट डू वेल, दीपाली गलती हो रही है। आई कुड नॉट डू वेल, I was unable to do well, ज्यादा अच्छा लगेगा। अंकित कही वही हुई, try to understand. I did not do well in the exam because I have got little time. ठीक है ना, तो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, अच्छा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसको little time मिला था, little, enough time नहीं मिला था, not enough, not much, ये आना चाहिए। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बनाइए, आई वॉज अनेबल टू डू बेटर इन एग्जाम। मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा होगा, नजर नहीं आ रहा, मुझे लगता है आ रहा है इन एग्जाम, बिकॉज एस आई गॉट लिटिल time eligible. ठीक, the letters are visible or not, please tell me. क्या blue color visible है क्या? I was unable to do better in exam, या in the exam भी लगा सकते हैं, as I got little time, क्योंकि मुझे थोड़ा समय मिला। Okay, got. ये हुई ना बात। स्मिता, I was not able to do well in the exam, visible है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर तीन में। नंबर तीन का देखिए आप लोग दोस्तों, इस महीने ध्यान देना, इस महीने मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिसे मैं खर्च नहीं करूंगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस महीने मेरे पास थोड़े पैसे हैं इसे मैं खर्च नहीं करूंगा भाई, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे बहुत खर्च हो चुके हैं। बताइए, कैरी ऑन, कैरी ऑन। या तो क्या आना चाहिए, मैं चेक करता हूं, बताएं जल्दी से। दिस मंथ आई हैव लिटिल मनी, थोड़े पैसे। एक गाना, ये जो थोड़े से पैसे हैं इन्हें खर्च करूं कैसे, याद है आपको, बहुत ही प्यारा गाना है, लेकिन मुझे गाना नहीं आता, देवता का गाने का मत बोल देना। इन दिस मंथ इन नहीं आएगा सैफ, इन नहीं आता है।
सब इतना पढ़ाने का मतलब ही नहीं रहा यार। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, इतनी सारी गलतियां करते हैं आप लोग। या क्या मतलब रहा, दिस मंथ आए हो द लिटिल आना चाहिए, द लिटिल बचे हुए पैसे। दिस मंथ आई हैव द लिटिल मनी स्पेंट, दैट आएगा विच भी नहीं आएगा। देखिए चलो लिख दिया, मैं बताता हूं, आई विल नॉट स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैव दिस मंथ। वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि ये आखिर है क्या। ओके, ह्यूमन इज एरर, ह्यूमन इज एरर, बिल्कुल सही है, मानव से ही गलती होती है। ऐसा बोलकर तुम अपनी गलती करते रहो करते रहो, गलती एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे लगता है रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो इस महीने मेरे पास कम पैसे हैं, यानी कि बचे हुए पैसे की बात कर रहा है, बचे हुए पैसे। तो हम लोग लिखेंगे दिस मंथ हम लोग इन नहीं लगाएंगे, इन दिस मंथ नहीं बोलेंगे, आई हैव द लिटिल मनी। और यहां पर जो जिसे आप लिखना चाहिए, विच और हु कभी नहीं लिखना चाहिए, ध्यान देना, ये सबसे बड़ी बात है। एग्जाम में आता हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट आएगा, दैट आई विल नॉट स्पेंड, लीजिए क्लियर हुआ, दिस मंथ आई हैव द लिटिल मनी दैट आई विल नॉट स्पेंड, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। मुझे उसकी शिक्षा के बारे में कम पता है, मुझे उसके एजुकेशन के बारे में कम पता है, नॉलेज नहीं है कुल मिलाकर। बताओ जल्दी से, मुझे के बारे में कम पता है, कैसे बोलेंगे? लो आई एम वेटिंग, रिलेटिव प्रोनाउन, यस यस रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल सही। मुझे उसकी शिक्षा के बारे में कम पता है, या मुझे मालूम नहीं है वो कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की भी हो सकती है लड़का हो सकता है। यार शिवम गलती हो रही है, कम पता है के बारे में क्या मतलब है आपका? बिल्कुल इस टॉपिक में लिटिल लॉजिक की जरूरत है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। सोचो हम ऐसी बात कब करते हैं, जब आपको किसी के बारे में ज्यादा जानकारी होती है तब कहते हैं या ऐसी कहते हैं, बताओ हम लोग ऐसी बात कब कहते हैं? यार मेरे को उसके बारे में कम पता है, यार यार मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, कब कहते हैं? जब आपके पास में इनफ नॉलेज नहीं होता तभी कहते हो ना आप। सोचो क्या आएगा, नॉट इनफ आएगा, नॉट इनफ, नॉट इनफ यानी लिटिल आना चाहिए। ओके देवता, आपने सही आंसर लिखा है क्या? इसमें कॉपी पेस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, क्या बताऊं। हो गया, जस्ट वेट, आई हैव लिटिल नॉलेज, आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट हिज एजुकेशन या हर एजुकेशन, यानी आपको उसके ज्ञान के, उसके एजुकेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, कम पता था। तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट हर एजुकेशन, लिटिल नॉलेज अबाउट हर एजुकेशन। अगला सेंटेंस आ चुका है, तब तक आप लोग अगला बनाओ, मैं ये लिखता हूं, इसको लिख देता हूं। अब मैं थोड़ा अच्छा हूं, अब मैं थोड़ा अच्छा हूं, आप कैसे हैं? अब मैं थोड़ा अच्छा हूं, बताओ।
आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट हर एजुकेशन. ए लीजिए पूरा नहीं लिखता. आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट हर एजुकेशन. डब्ल्यू एल ई डी जी ई दोस्तों डी है डी है डी है डी है डी है ध्यान दीजिएगा ठीक है. मुझे अब मैं थोड़ा अच्छा हूं अब मैं थोड़ा अच्छा हूं. नाउ आई एम अ लिटिल वेल. नाउ आई एम अ लिटिल वेल. अ लिटिल वेल बिल्कुल सही है. नाउ आई एम अ लिटिल वेल. यस अ लिटिल आना चाहिए बिल्कुल ठीक है. चलो यार यहां तो हो नहीं रहा है जाने दो. अब ये होगा अ लिटिल यानी कि खुश है वो यानी कि खुश है. अब मैं थोड़ा अच्छा हूं अब मुझे अच्छा लग रहा है. अब मैं थोड़ा अच्छा हूं. आज की हमारी सेटिंग बहुत अच्छी है. अब मैं बहुत अच्छा हूं. आज मेरा चेहरा लाल लाल नहीं दिख रहा है. अब मैं थोड़ा अच्छा हूं पूरा अच्छा नहीं हूं. अभी हमारे काम में एक्यूरेसी आना बाकी है. बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी बिल्कुल आएगी मुझे पूरा उम्मीद है. इसलिए मैं अब थोड़ा अच्छा हूं थोड़ा खुश हूं मैं बिल्कुल यही कहेंगे. तो नाउ आई एम अ लिटिल वेल. आप लोग बेटर भी कह सकते हैं आई एम अ लिटिल बेटर. ठीक दोस्तों तो ये थी आज की क्लास. और आज की क्लास मुझे लगता है कि बाकी कल की क्लास और भी क्लासेस के बारे में बात मत करो क्योंकि बाकी क्लासेस तो जो थी वो हो गई. तो आई एम श्योर आज कुछ ज्यादा अच्छा रहा होगा है ना. कुछ कमी है तो बताते जाएंगे फीडबैक जरूर देंगे आप इसको और कैसे हम लोग इंप्रूव करें. और आप लोग को ये क्लास को मैं इंप्रूव कर लूंगा. आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें ये वाला क्वेश्चन करना बाकी क्वेश्चन नहीं करना है. ओके हाउ वी इंप्रूव आवर इंग्लिश. यस ज्यादा ज्यादा हम लोग उसको बोल पाए वोकैबुलरी ये सब को लर्न कर पाए और इडियम्स का यूज कर पाए फ्रेजेस का यूज कर पाए स्पोकन में ग्रामर में हर जगह. ओके बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक्यूरेसी आएगी इंशाल्लाह. यस बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम. आई एम फीलिंग लिटिल वेल नाउ. आई एम अ लिटिल वेल नाउ बिल्कुल सही है सर. टुडे अरेंजमेंट वॉज बेटर देन टुमारो. टुमारो नहीं यस्टरडे होगा यार. यूनिक स्किन केयर टुमारो कैसे होगा यस्टरडे होगा ना. कल बीत गया कल से अच्छा था. आप टुमारो तो आने वाला है ना. यूनिक स्किन केयर आपका नाम क्या है प्लीज बताइए ना. यूनिक स्किन केयर व्हाट्स योर नेम प्लीज टेल मी. और कहाँ के रहने वाले हैं क्या करते हैं बता दीजिए. वैसे आपके चैनल के नाम से लग रहा है कि आप स्किन केयर करते होंगे शायद. ठीक तो बताइए आज मेरे स्किन में आपको ग्लोनेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बता दीजिएगा सर. ओके देर इज ग्लो ग्लोनेस ऑन माई स्किन और नॉट प्लीज टेल मी स्किन केयर. ओके भविष्य देख लिया उन्होंने किन्होंने. हाँ वो भी है कि कल की क्लास शायद बिगड़ जाएगी. बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं मैं भी होता था अपने स्कूल के जमाने में. लेकिन धीरे धीरे सीखता गया तो आदत सी पड़ गई है अब. ठीक है तो दोस्तों चलते हैं बहुत जल्द मिलते हैं फिर कल एक नई शुरुआत के साथ एक नई कोशिश के साथ एक नई पहल के साथ. तो आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया और आपने ये नहीं बताया कि किस शहर के रहने वाला है. यूनिक स्किन केयर प्लीज टेल मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अ लिटिल इंट्रोडक्शन. Your skin shining like a star, sir. Oh my God, ये तो बहुत ज्यादा हो गया और हो गया बहुत ज्यादा हो गया. थोड़ा नीचे आ जाओ. ये लो मोहम्मद सैफ ने पता नहीं कहां से इतनी सारी सेल्फी ढूंढ के लाए. ठीक है दोस्तों शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और फटाफट लाइक कर दीजिए. 8-10 लाइक तो कर ही दीजिए या और जितने हैं सब लोग एक एक लाइक तो मार दो यार क्योंकि कल की क्लास से थोड़ी मेहनत ज्यादा हुई है. आपने भी मेहनत अच्छी की है मैंने भी की है दोनों ने मेहनत की है. तो प्लीज सर माय नेम इज राज एंड रन अ सैलून. ओके 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 राज धन्यवाद. आप एक सैलून चलाते हैं बढ़िया. कहाँ चलाते हैं मिस्टर राज कहाँ चला. सर माय नेम इज राज एंड रन अ सैलून. ओके 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 राज धन्यवाद. आप एक सैलून चलाते हैं बढ़िया. कहाँ चलाते हैं मिस्टर राज कहाँ चलाते हैं आप सैलून. वेयर इन विच सिटी. और आपके डाउट के साथ बिल्कुल सही है. यस बिल्कुल ठीक है मेरे और आपके डाउट के साथ सेफ मैं ऐसा ही बोलता हूँ. यूनिक स्किन केयर आपका नाम राज है और कहाँ चलाते हैं ये बता दीजिए थोड़ा सा तो मज़ा आ जाएगा. हो सकता है मेरे शहर में होंगे तो मैं कभी ना कभी आपके यहाँ आ सकता हूँ तो मुझे भी खुशी होगी कि देखो ये मेरे व्यूअर हैं
लाइक अ दीपक एज योर नेम सर नाउ ओके शिवम धन्यवाद धन्यवाद आपके यही शब्द तो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं यार इंस्पायर करते मोटिवेट करते हैं कि मुझे बेटर बेटर करना है ये देवथापा कहाँ गायब हो गया अब तो कुछ बोलेगा नहीं पता नहीं कहाँ चला गया अब क्लास के दौरान बहुत बोलता है क्यों देवथापा ड्यूरिंग द क्लास सर इन बैतूल ओके ओके वेरी नाइस सिरिंग सर आई वुड लव टू ज्वाइन बट आई एम अफ्रेड आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड योर कंटिन्यूस सेशन एज आई एम हैविंग अ बिजी कॉलेज शेड्यूल अरे कोई दिक्कत नहीं यार 59 rupees नॉट ए बिग अमाउंट यार इस बहाने मेरे को सपोर्ट कर दोगे ना सिरिंग 59 rupees नॉट ए बिग अमाउंट बाय दिस एक्सक्यूजेस यू कैन हेल्प मी थैंक यू दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद मिलते हैं कल मेरे इस लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है डाउन होने के पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ले लीजिए